मुझे एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई 10 फीट है, ऊंचाई 10 फीट है और सर 9 इंच की दीवार बनाने जा रहा हूँ। सर मुझे कितनी ईंटें लगेंगी? जी हाँ बिल्कुल, इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि 100 वर्ग फीट में हमें कितनी ईंटों की संख्या लगती है। जैसा कि तुमने बोला है कि मैं 9 इंच की जो मोटी दीवार बनाने जा रहा हूँ और उसमें ईंटें कितनी लगेंगी, सबसे पहले इसको हम स्टेप बाय समझते हैं कि कितनी हमें ईंटें लगने वाली हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें ईंटों की लंबाई या जो दीवार की लंबाई दी हुई है वो हमें 10 फीट दी हुई है, दीवार की जो मोटाई है वो हमें 9 इंच दी हुई है, साथ ही साथ जो दीवार की हमें ऊंचाई है, जैसा कि आपने हाइट जो कि हमें दिया हुआ है कि 10 फीट है, और इसकी हम दीवार की मोटाई की बात करते हैं तो जो हमें 9 इंच दी हुई है, अब मोटाई को हम फिट में कन्वर्ट करने के लिए 9 इंच को 12 से डिवाइड कर देंगे तथा हम दीवार का कुल आयतन निकाल लेंगे जिसमें 10 फीट उसकी लंबाई, 10 फीट ऊंचाई और 9/12 करके हम इसका पूरा एक घन फिट में हम एक वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कुल निकल के आई है 75 घन फिट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ईंट की साइज हमारे लिए उपलब्ध है, जो कि ईंट दी हुई है जिसकी साइज है, लंबाई दी हुई है 9 इंच, चौड़ाई दी गई है 4 इंच तथा साथ ही साथ ऊंचाई दी गई है 2.75। ये हमारा बिना मटेरियल या बिना मसाले की है। अगर हम इसमें मसाला लगा देते हैं, मसाला सहित अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इसमें 0.5 इंच का फर्क पड़ जाता है, मतलब 0.5 इंच और बढ़ जाएगी तो इसका आयतन हम निकाल लेंगे, इसमें जो 9 इंच की लंबाई थी तो 9.5 इंच हो जाएगी, इस प्रकार से जो चौड़ाई 4 इंच थी तो वो बढ़ जाएगी और ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। इसका कुल एक ईंट का घन फिट निकल के आता है 0.0804 घन फिट होता है। अब जो हमें एक ईंट का वॉल्यूम मिल गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि 100 घन फिट में हमें टोटल कुल का जो कुल आयतन है, जो मतलब दीवार का जो कुल आयतन है वो 75 घन फिट है, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे एक ईंट का वॉल्यूम या एक ईंट का आयतन, तो हमारा वैल्यू निकल के आ गई 932 ईंट। तो हम कह सकते हैं कि हमें 100 वर्ग फिट में हमें 932 ईंटें लगेंगी। लेकिन साथ ही साथ एक और फैक्टर माना जाता है कि जब इस प्रकार का कार्य होता है तो 5% टूट फूट भी आ जाती है, तो 932 का हम 5% निकालते हैं तो वो निकल के आता है 47। अतः हम टोटल ईंटों की संख्या कह सकते हैं कि हमें पूरे कंस्ट्रक्शन में 979 या 980 कह सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह 100 वर्ग फिट के लिए मैंने बताया, आप जितना चाहें उतने वर्ग फिट के लिए ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार का आपको कोई भी किसी अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सर ये तो आपने बिल्कुल सरल तरीका बता दिया, इससे तो मैं अपने मकान की ईंटें आसानी से निकाल सकता हूँ। साथ ही साथ अब किसी भी प्रकार की मुझे परेशानी जाएगी तो मैं आपको जरूर परेशान करूंगा। थैंक यू सो मच सर।